Bhagavan Namaste. Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. Namo Mahadvya. Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama. Dharma ki adharma ka praniyo mein vishwa ka gomata ki gohatya bharat akhanda ho sarva bhuta hriday dharma samrat श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Shri Krishna Govinda Hare Murare Hare Nath Narayana Vasudeva Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Shri Vrindavan Vihari Lal Ki Jai Namo Mahadvya Shambho Shiva 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 Narayana 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 समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति श्री गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर आप महानुभाव श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठ में पधारे हैं हमें प्रसन्नता है यह पुरुषोत्तम क्षेत्र है पुरी धाम है और ऋग्वेद से संबद्ध है पूर्वावनाय श्री गोवर्धन मठ इसका नाम है अभी आपने सुना विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार भगवान अवतार लेते हैं विशेषकर विप्र गोवंश देव और संतों के हित की भावना से जब सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण हर प्रकार से प्रमुदित रहते हैं गोवंश सुरक्षित रहता है देव वृंद पूजित और प्रतिष्ठित रहते हैं तथा
संत प्रमुदित रहते हैं तो सबके हित का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए हमारे श्री सचिव महोदय ने कहा इस मठ में सबके हित का ध्यान रखा जाता है, विशेषकर विप्रधयनसुर और संत प्रमुदित रहें इसका विशेष प्रयास किया जाता है। अभी महानुभावों ने वेदादि शास्त्रों के आधार पर बताया भूदेवी का आधिदैविक स्वरूप गाय है। संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए गो शब्द का प्रयोग होता है। पृथ्वी पर जब संकट प्राप्त होता है, अत्याचारी अराजक तत्व छाने लगते हैं, तब यह भूदेवी गाय का रूप धारण करके ही ब्रह्मा जी के पास जाती है। पृथ्वी का आधिदैविक स्वरूप गोवंश है, इसकी सुरक्षा पृथ्वी की सुरक्षा है और यज्ञ का संपादन जिन सात तत्वों पर निर्भर है उनमें प्रथम स्थान स्कंद पुराण में गोवंश का है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुभधैर् दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। समय की सीमा में मैं एक संकेत कर दूं, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि गोवंश पर निर्भर है। गोपालन से धर्म की सिद्धि होती ही है, यज्ञ की सामग्री की समुपलब्धि होती ही है और गोरस आदि के सेवन से व्यक्ति के जीवन में उल्लास आनंद विशेष का स्फुरण होता ही है, व्यक्ति का जीवन स्वस्थ रहता ही है। इस प्रकार धर्म अर्थ काम का तो गोवंश साधक है ही और गोवंश की सेवा से साक्षात गोविंद प्रमुदित होते हैं और गोविंद की प्रसन्नता होने पर मोक्ष तो स्वाभाविक रूप से सुलभ होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में गोवंश का अद्भुत महत्व है। महाभारत में एक विचित्र तथ्य कहा गया, आप लोग प्रयोग करके उसकी सत्यता को हृदयंगम कर सकते हैं। निद्रा के पूर्व गाय का नाम लेकर सोइए, गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद, इसमें भगवान का नाम भी है लेकिन गाय के नाम पर ही भगवान को गोविंद और गोपाल कहा जाता है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद, इस प्रकार 10-20 बार नाम लेकर सोइए। महाभारत का कथन है कि दुःस्वप्न नहीं होगा। जिसके नाम का स्मरण उच्चारण करके सोने पर निद्रा समाधि कल्प बन जाती है और व्यक्ति को दुःस्वप्न नहीं होता है, उस गोवंश का सचमुच में अद्भुत महत्व है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में पृथु महाराजा का चरित्र अंकित किया गया है। एक विशेष बात है, पृथ्वी उनके सामने गाय के रूप में प्रस्तुत थी, पात्र भेद से वत्स के भेद से और दोग्धा के भेद से चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सबका निसर्ग सिद्ध अन्न प्राप्त हुआ। दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अद्भुत महत्व है।
कि गाय का दोहन किया गया, लेकिन पात्र भेद से, वत्स के भेद से, दोग्धा के भेद से दुग्ध में भेद प्राप्त हुआ। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब का जो निसर्ग सिद्ध अर्थात स्वाभाविक अन्न है, वह सबको सुलभ हुआ। बहुत से व्यक्ति सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, देवताओं का अन्न अमृत है, ऋषियों का अन्न वेद है, गाय के दुहने से जो अन्न प्राप्त हुआ उसमें वेद का भी उल्लेख है, अमृत का भी उल्लेख है। इसके पीछे भी दार्शनिक तथ्य है। प्रकृति का अंतिम उज्ज्वल परिपूर्ण फलात्मक परिणाम ही पृथ्वी है। आकाश में शब्द नामक गुण है, वायु में शब्द स्पर्श, ये दो गुण हो जाते हैं, तेज में शब्द स्पर्श रूप तीन गुण हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण हैं, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुण हैं। इसीलिए पांचों गुण और उनका अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी होने के कारण 14 भुवनों से मंडित जो यह ब्रह्मांड है, उसमें जितने प्रकार के अन्न हो सकते हैं, स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म से लेकर जंगम प्राणियों में उत्कृष्ट सिद्ध ऋषि मुनि देवता सबका योगक्षेम वहन करने में गोवंश समर्थ है, अर्थात पृथ्वी के द्वारा ही चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में सबको अन्न जीवनी शक्ति की प्राप्ति होती है। और पृथ्वी की हत्या ही गोवंश की हत्या है, इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत में भी गोवंश का वध होता है, गोवंश की हत्या बढ़ती ही जा रही है। अपने आप में यह देश के लिए महाकलंक है। इस कलंक को दूर करने का उचित प्रयास भी अवश्य ही करने योग्य है। मैं एक संकेत करके प्रवचन को विराम देना चाहता हूँ। यदि शासन तंत्र हमारे अनुकूल नहीं हुआ, सनातन सिद्धांत या संस्कृति के अनुरूप नहीं हुआ, बहुत प्रयास करने पर हम बीज मात्र की रक्षा कर सकते हैं। गोवंश के बीज की रक्षा ही करने में हम समर्थ हो सकते हैं, लेकिन समग्र गोवंश की रक्षा के लिए हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप हमको शासन तंत्र चाहिए ही। कोई ऐसा राजनेता भारत में नहीं है या राजनीतिक दल नहीं है जो हमको सनातन संस्कृति के अनुरूप शासन तंत्र देने में समर्थ हो। हमको स्वयं ही प्रयास करके, स्वस्थ व्यूहरचना करके, सनातन सिद्धांत के अनुसार शासन तंत्र को स्थापित करना है। जब सनातन शासन तंत्र हमको सुलभ होगा, तो जितने हमारे प्रशस्त शास्त्र सम्मत सनातन सर्वहितप्रद मान बिंदु हैं, सबकी रक्षा करने में हम समर्थ हैं। गाय की दुर्दशा, गंगा की दुर्दशा, ब्राह्मणों की दुर्दशा, सतियों की दुर्दशा, दुर्दशा ही दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा और वैश्यों का विशेष रूप से दायित्व होता है। श्रीमद्भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, अर्थ के स्रोत कृषि, गोपालन, गौरक्ष और वाणिज्य तीनों का दायित्व वैश्यों को दिया गया। अर्थ का स्रोत क्या है? कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य। विचार करके देखें तो भारत में कृषि की व्यवस्था भी विकृत है, वाणिज्य की व्यवस्था भी विकृत है, और गोवंश को तो विकृत और विलुप्त करने का भयंकर षड्यंत्र ही है। यहाँ प्रफुल्ल रथ जी भी हैं, लगभग 28 वर्ष पहले की बात है,
मैं श्री वृंदावन धाम में रहता था, एक संत स्वामी वामदेव जी महाभाग दिव्य महापुरुष विद्वान, उनके पास गया मिलने। एक ही आश्रम हम दोनों रहते थे। उन्होंने एक परिपत्र दिखाया जिसमें 32 संदेश थे मुस्लिम तंत्र की ओर से। उन 32 संदेशों में एक संदेश यह भी था, अरब राष्ट्र बांग्लादेश पाकिस्तान में कदाचित गोवंश की रक्षा हो जाए, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का केंद्र गोवंश है। अतः हम किसी भी कीमत पर भारत में गोवंश की रक्षा नहीं होने देंगे, यह हमारा व्रत है। यद्यपि मुझे मालूम है गिने चुने मुसलमान भारत में ऐसे भी हैं तो मुखर होकर कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्र का प्रतीक घोषित किया जाए। ऐसे मुसलमान सज्जन भी हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन परिस्थिति यह है कि क्रिश्चियन तंत्र मुस्लिम तंत्र कम्युनिस्ट तंत्र को संतुष्ट रखने की भावना से वहाँ पहुँचने पर कोई भी राजनीतिक दल हमारा नहीं रह जाता। हमने गो नवरात्र में उद्घाटन महोत्सव के अवसर पर एक वाक्य कहा था, बहुत वेदनायुक्त है वह। मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब वो कहा करते थे, भारत स्वतंत्र होगा तो कलम की एक नोक के बल पर हम गोवंश की हत्या को दूर कर देंगे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हुए तब दो पीठ के आचार्य, ज्योतिष पीठ के आचार्य और इस पीठ के आचार्य, जिन्होंने कालांतर में 72 दिनों के लिए गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया, उनके नेतृत्व में हम लोग प्रधानमंत्री जी की कोठी तक गए थे। 3 महानुभाव को मिलने की अनुमति प्राप्त थी, उसमें एक हमारे गुरु भाई नंदलाल शास्त्री, उस समय उनका नाम था नंद नंदनानंद सरस्वती, जो पार्लियामेंट के सदस्य रह चुके थे रामराज परिषद से। वो MA थे, LLB थे, IAS थे और साहित्याचार्य या व्याकरणाचार्य थे और LLB भी थे। इतने बड़े विद्वान और इस मठ के स्वनामधन्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग और ज्योतिष पीठ के एक शंकराचार्य महाभाग, मान्य मोरारजी जी ने क्या कहा मालूम है? आप महान भाव इस बात को भूल जाते हैं कि हम कसाईयों के भी अर्थात गोहत्यारों के भी प्रधानमंत्री। जब कोई प्रधानमंत्री कहे कि हम गोहत्यारों के भी प्रधानमंत्री हैं तो इसका अर्थ होता है गोहत्यारों के ही प्रधानमंत्री हैं। स्थिति तो यह है कि गोरक्षा की चर्चा करने वाले भी जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो गोहत्यारा बन जाते हैं, गोहत्या के समर्थक बन जाते हैं। बात तो बहुत गुप्त है लेकिन मैं संकेत करता हूँ। कल्याण में एक महापुरुष का हमारे बहुत परिचित सुदर्शन सिंह का लेख आता था, पढ़ो समझो और करो। एक बार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि देखिए मैं क्षत्रिय कुल का व्यक्ति हूँ, अपने लिए कहा गोभक्त हूँ, मुझे भी भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं भी गोहत्या का समर्थक हुए बिना नहीं रह सकता। हमने कहा ऐसा कैसे? उन्होंने कहा आयु में वो मुझसे बहुत बड़े थे लेकिन मेरे पे बहुत आस्था रखते थे। उन्होंने कहा कि जब कोई भारत का प्रधानमंत्री बनता है या बनाया जाता है 6 महीने की सीमा में उसके पास गुप्त संदेश आ जाता है, उसके कानों के पास एक विचित्र आवाज़ गूंजने लगती है, नेहरू जी की तरह प्रसिद्धि चाहिए या मौत चाहिए? अगर हमारे यंत्र बनकर तुम भारत में प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं पालन करोगे तो मारे जाओगे, अगर हमारा यंत्र बनकर के काम करोगे किसी भी पार्टी के हो कोई बात नहीं, नेहरू जी या उनसे भी अधिक ख्याति तुम्हारी होगी, वहाँ जा करके गोभक्त भी गोहत्यारे के रूप में या गुप्त
प्रकट उसके समर्थक के रूप में उद्भासित हो जाता है। एक बहुत विचित्र पहेली है, इसको दूर करने के लिए जैसी गंभीर व्यूह रचना होनी चाहिए उसकी कमी। गोरक्षा के नाम पर सम्मेलन भी होते हैं, लेकिन गोहत्या के स्रोत क्या क्या हैं और गोवंश की हत्या रुकती क्यों नहीं है? क्योंकि सन 66 में 7 नवंबर को दिल्ली में जो कुछ घटना घटी मेरी आंखों के सामने, मैं भी तिहाड़ जेल में 52 दिनों तक बंद था और हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कर्पाती जी महाराज के को मारने की योजना थी तिहाड़ जेल में। खूनी कैदियों को 24 घंटे पहले लोहे के दंडे देकर छोड़ दिए गए थे, संतों पर लोहे के दंडे बरस रहे थे, हमारे पूज्य गुरुदेव की आँख में लोहे की सलाका लोहे की सुई चुभा दी गई थी। तो जो यातना स्वतंत्र भारत में गो भक्तों को प्राप्त हुई है, 1400 गो भक्त जो कि शांत होकर केवल गोवंश की रक्षा पर प्रवचन सुन रहे थे, उनको गोली से भुनवा दिया गया। विनोबा जी को अंत में कहा गया कि जेल के शिकंजे में मरना होगा अगर गोवंश की रक्षा की तुमने चर्चा की। विनोबा जी जिस दुर्गति की स्थिति में, वेदना की स्थिति में शरीर छोड़े, वो भी मुझे मालूम है। हम उस भारत में रह रहे हैं जिस भारत में गोहत्या का पक्षधर प्रायः हर प्रमुख राजनीतिक दल है। ऐसी स्थिति में एक चुनौती है गोवंश के महत्व को ख्यापित करके, पंचगव्य के महत्व को ख्यापित करके, गोवंश की चिकित्सा आदि के माध्यम से, पंचगव्य आदि के माध्यम से उपयोगिता को ख्यापित करके अथक परिश्रम करने पर हम बीज की रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है एक गौशाला में अगर 200 गायें हैं और 40 बछड़े भी हर साल उत्पन्न हो गए, उनको सांड बनाएंगे और क्या करेंगे? खेती में तो उपयोग नहीं होना है, वो लर भीर करके क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में शासन तंत्र का मनोबल जब तक गोवंश की रक्षा के अनुकूल नहीं होगा, तब तक हम कितना भी संघर्ष करें बीज की रक्षा करने में भी बहुत विपत्ति हमको प्राप्त होगी। ऐसी व्यूह रचना की गई है कि भारत में गोवंश की रक्षा हो ही नहीं सके, ऐसी व्यूह रचना की गई है। सरा हुआ गोबर और गोदुग्ध का पाउडर विदेश से आता है, लेकिन भारत का शासन तंत्र इतना मनोबल संपन्न नहीं है कि देश की रक्षा हो गोवंश के द्वारा। इसको विकृत और विलुप्त करने का महाषड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र के बीच में भी हम किस प्रकार धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना कर अपने प्रशस्त समग्र मानव बिंदुओं की रक्षा कर सकेंगे, एक चुनौती है। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। यह संक्रमण काल है, जब जब संक्रमण काल होता है तब तब उस समय के सत्पुरुषों महापुरुषों के सामने इस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। हमारे देश की गायें विदेश में जाकर पर्याप्त दूध देती हैं, हृष्ट पुष्ट हो जाती हैं, उनकी उपयोगिता को विदेशी भी स्वीकार करते हैं और करने लगे हैं, लेकिन भारत में रहकर गोवंश को पर्याप्त यातना प्राप्त होती है। यहाँ तक कि गोभक्तों को भयंकर यातना दी जाती है। अंदर से भी कोई गोभक्त हो तो आज न सही कल उसे शासन तक कुचले बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति बहुत दूषित है। ऐसी स्थिति में सज्जनों, हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन हम कैसे करें और समग्र गोवंश की रक्षा के लिए जैसी स्वस्थ व्यूह रचना चाहिए वो किस प्रकार करें, यह सब विचार गोष्ठी का विषय है। आप महानुभाव श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए भी उद्यत हैं, वस्तुतः छत्तीसगढ़ से जितने भक्त 200 लगभग आए हैं वो सब हमारे ब्रह्मचारी निकेश जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की जो ललित कथा हो रही है उसको सुनने के लिए आए हैं, और बहुत से महानुभाव गोपाष्टमी के पर्व के निमित्त ही आज इस मठ में आए हैं। और आप सब भी गोभक्त हैं ही, जो श्रीमद् भागवत का भक्त होगा वो गोभक्त होगा ही, जो गोभक्त होगा वो श्रीमद् भागवत का भक्त होगा ही। हमारा तो इतिहास है कि भगवान निरावरण चरणों से गोचारण लीला संपादन करते हैं। गोपाष्टमी का अर्थ ही होता है गोचारण लीला।
जब साक्षात भगवान भी गोचारण लीला करते हैं और यहाँ तक कि रघुदिलीप इत्यादि राजर्षि भी गोचारण के पक्षधर रहे हैं, गोपालन के पक्षधर, तो भव्य भारत की संरचना के लिए और पूरे विश्व को एक आदर्श प्रस्तुत करके देने के लिए गोवंश की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। हम लोग सोए हुए नहीं हैं, बहुत जागरूक हैं और समग्र गोवंश की रक्षा का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त हो उसके लिए स्वस्थ व्यूह रचना भी कर रहे हैं। और एक भविष्यवाणी भी सुन लीजिए, गो नवरात्र में भी मेरे मुँह से निकला था और अभी भी निकल रहा है, कई महीने से मैं या दो चार वर्षों से मैं अपने सचिव जी को कहता रहा हूँ कि असंभावित ढंग से शंकराचार्यों के मठ का शोधन होगा। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, जैसा निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है उससे तो शासन ये शंकराचार्यों के मठ व्यासपीठ के शोधन की प्रक्रिया भगवान ने शुरू कर दिया। अब मैं फिर आज कहता हूँ, बस थोड़े ही समय में ऐसी देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा। इसलिए जितने राजनीतिक दल हैं, मंच पर मंचन करने वाला हमको न समझें, वे सावधान हो जाएं, उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला। अगर वो संभलते नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के अनुकूल अपने को ढालने का प्रयास नहीं करते तो भारत में आमूल चूल शासन तंत्र के परिवर्तन का योग अब प्राप्त होने वाला है और व्यासपीठ के माध्यम से ही शासन तंत्र का शोधन होगा और अपेक्षित शासन तंत्र भारत को प्राप्त होगा। हर हर महादेव।